चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, उसका रुख करते हैं नरवाना से। यह बड़ी खबर है, व्यापारी के बेटे से फिरौती मांगी गई, मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा था फिरौती के तौर पर, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। गौतम जैन की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। इस वक्त की बड़ी खबर, नरवाना से व्यापारी से फिरौती के लिए पैसे मांगे, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गौतम जैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया। नरवाना से खबर है, व्यापारी के बेटे से फिरौती मांगी गई, मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। हरियाणा में एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, फिरौती के मामले भी एक के बाद एक कई मामले सामने आए। ताजा मामला नरवाना का, जहां व्यापारी के बेटे से फिरौती मांगी गई, मैसेज भेजा और 20 लाख रुपए देने की बात कही बदमाशों ने। पुलिस मामले की जांच कर रही है, मामला दर्ज कर लिया। गौतम जैन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया और पुलिस जांच कर रही है कि कौन वो बदमाश है जिन्होंने 20 लाख की फिरौती की धमकी दी है, 20 लाख रुपए मांगे हैं। अज्ञात लोग के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। एक के बाद एक इस तरह के मामले हरियाणा में सामने आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, व्यापारियों को धमकी मिल रही है। ताजा मामला नरवाना का है, जहां 20 लाख रुपए फिरौती के तौर पर एक व्यापारी से मांगे गए, पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया। गौतम जैन की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने 20 लाख की फिरौती मांगी है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, फोन पर एक मैसेज भेजा, वीडियो मैसेज, और व्यापारी से कहा कि खैरियत चाहते हो तो 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए और पुलिस को बताना मत। लेकिन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की कि बदमाशों की तरफ से धमकी मिल रही है। ब्रह्मजीत सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ब्रह्मजीत, क्या कुछ अपडेट है इस मामले? परमजीत जी, बिल्कुल, देखिए जिनमें बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का कोई खौफ भी नहीं उनके अंदर है। ताजा मामला नरवाना का है। नरवाना में एक व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगी गई, वीडियो मैसेज उसको जो है भेजा गया कि आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए वरना आपके जो है आपको मार दिया गए। तो इस तरीके मैसेज उन्होंने भेजा, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अगर जाओगे तो ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस कहाँ सोई हुई है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जींद जिले में सामने आ रहे हैं। पिछला मामले की बात की जाए तो एक व्यापारी से जींद में फिरौती मांगी गई थी, वो मामला अभी तक सुलझा नहीं। तो तमाम तरह के, हालांकि देखिए जो व्यापारी है उनमें काफी रोष है और उन्होंने जो है पुलिस में शिकायत दी है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी परमजीत, क्या कुछ पता चल पाया शुरुआती जांच में कौन लोग थे? क्या व्यापारी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि इनके ऊपर शक है या अज्ञात ही है ये लोग? बिल्कुल, देखिए फिलहाल व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन बगैर नाम जल्द उनको शिकायत दी गई है। वो जानते नहीं, उनके पास एक मैसेज आया था, मैसेज के द्वारा फिरौती मांगी गई है 20 लाख रुपए की, और फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये मामला जो है नया मामला नहीं है, जींद में काफी बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जुलाना में फिरौती मांगी गई थी, सफेदों में फिरौती मांगी गई थी। तो फिलहाल जो है फिरौती को लगातार ये चक्कर चला हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। परमजीत हमारे साथ संवाददाता जींद से जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके, बावजूद इसके पुलिस कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। और इसी बीच एक और मामला नरवाना से सामने आया, व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, वीडियो मैसेज भेजा गया। एक